क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट डिफाइन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट एड क्या होता है? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी हो, इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और लोग तुरंत जो हेल्प करते हैं उसकी, टू द इंजर्ड पर्सन, किसी छोटे व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की हम जो हेल्प करते हैं, इस कॉल उसको बुलाते हैं फर्स्ट एड, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज ए फ्रैक्चर? फ्रैक्चर क्या होता है आपको वो बताना है। तो फ्रैक्चर जब हड्डी में चोट लग जाती है उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसको देखो कैसे लिखा है, एनी क्रैक और ब्रेक इन ए बॉल इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। कोई क्रैक और ब्रेक का मतलब टूट फूट लेंगे, जब कोई हड्डी में टूट फूट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए फॉर माइनर पार्ट्स, अगर थोड़ा सा पार्ट जल गया हो तो आपको क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर पार्ट्स, अगर कम जला हो तो कीप द बर्न एरिया, जले हुए एरिया को रखना है अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडे पानी में, जले हुए एरिया को आपको ठंडे पानी से धोना है और अप्लाई आइस या फिर उसमें बर्फ अप्लाई करनी है। आफ्टर दैट, इसके बाद अप्लाई लगाना है एंटीसेप्टिक क्रीम, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और माउथ, घाव के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। क्वेश्चन फोर, नेम वन डिजीज कॉज बाय एनिमल बाइट्स, आपको ऐसे डिजीज का नेम बताना है जो एनिमल के काटने से होती है, बाइट करने से होती है। तो देखो आंसर है रेबीज, रेबीज जब डॉग हमें काट लेता है, कुत्ता काट लेता है तो हमें क्या हो जाती है, रेबीज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट शुड द विक्टिम लाई, व्हाई शुड द विक्टिम लाई स्टिल इन द केस ऑफ स्नेक बाइट्स, इसमें पूछा है कि जब सांप काट लेता है तो हमें विक्टिम को क्यों लेटाना चाहिए। हमने पढ़ा ना कि विक्टिम को पहले लेटाना चाहिए, क्यों लेटाना चाहिए वो बताना है। तो देखो बिकॉज, क्योंकि एनी मूवमेंट, कोई भी हलचल ऑफ द विक्टिम, उस रोगी की, उस विक्टिम की, उस इंसान की कोई भी हलचल पॉजेस उससे होता है, हलचल करने से द पॉइजन जहर टू स्प्रेड फैल जाता है फास्टर, जल्दी से इन द ब्लड, खून में अगर कोई रोगी हलचल करेगा तो उसका जो जहर है सांप के काटने से वो उसकी बॉडी में तेजी से फैलेगा, इसलिए हमें उसको कोई मूवमेंट नहीं कराना चाहिए, लेटा देना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन बी है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है स्टेटमेंट को रीड करके। देखो इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स, अगर सांप काट ले तो उस सिचुएशन में द पेशेंट शुड नॉट बी टेकन टू द डॉक्टर, पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो ये हमें स्टेटमेंट गलत दे रखा है, इसके लिए एफ लिखेंगे क्योंकि इसमें नॉट लगा रखा है। आगे देखो, वन इज नॉट एबल टू मूव इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उस इंसान को मूव नहीं करना चाहिए, नॉट एबल मतलब नहीं करवाना चाहिए उससे मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, वन शुड नॉट ड्रिंक वाटर इन केस, वन शुड नॉट ड्रिंक, किसी को पानी नहीं पीना चाहिए इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में, तो हमने पढ़ा है डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखा है। आगे देखो, इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट्स, अगर हमें कोई छोटा कीड़ा कीड़े मकोड़े कोई काट ले हमें, तो वी शुड वॉश, हमें धोना चाहिए द एरिया, उस पार्ट को विथ सोप एंड वाटर, हमें साबुन और पानी से धोना चाहिए। तो ये सही है, स्टेटमेंट ट्रू है, अगर इंसेक्ट बाइट कर ले तो हमें इस पार्ट को धोना चाहिए। सही, देखो क्वेश्चन नंबर सी, सजेस्ट द फर्स्ट एड, आपको फर्स्ट एड बताना है, मेथड तरीका बताना है फॉर दिस इमरजेंसीज, आपको कुछ इमरजेंसी दे रखी है उनके लिए आपको फर्स्ट एड बताना है कि हमें क्या उपचार करना चाहिए। देखो एनिमल बाइट्स, जब कोई एनिमल काट ले तो हमें क्या करना चाहिए वो देखो,
सिली लाना है एंड मेक ए स्लिंग, उसके लिए बैंडेज बनानी है, स्लिंग बनानी है विद ए क्लॉथ कपड़े से टू गिव सपोर्ट, ताकि सपोर्ट मिले एंड प्रिवेंट मूवमेंट, और उसकी बॉडी की कोई हलचल ना हो, उसकी बॉडी पार्ट की हलचल ना हो। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना और OMR शीट फिल करनी है। When a bone gets broken, जब कोई हड्डी टूट जाती है, it is called, तो इसको बुलाते हैं फ्रैक्चर, तो इसका सी आंसर है। When a leg gets fractured, जब कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो we use a sling, हमें एक बैंडेज बनानी है। The immediate help given to an injured person is called, इंजर्ड पर्सन को जो इमीडिएट हेल्प देते हैं उसको बुलाते हैं फर्स्ट एड। आगे देखो, एक्सीडेंट यूजुअली हैपेंस ड्यू टू, एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं, केयरलेसनेस, हम लापरवाही करते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको OMR के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, तो आपको फोर्थ वाले में क्या फिल करना है, ए पार्ट को आपको ऐसे फुल ब्लैक करना है। ऐसे आपको इन तीनों का जो जो आंसर आया था उसको आंसर को फिल करना है। ए वाला आया था तो ए को फिल करना है, बी आया था तो बी को करना है, ऐसे इनमें फिल करना है, इसको OMR बोलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन जितने कर लिए हमने उन सबको नोटबुक